कौन बनेगा करोड़पति। मैं भले ही बहुत सारी चीज़ें पुरानी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें मेकर्स ने इस बार बदला है। यानी शो का थीम पुराना होते हुए भी इस बार आपको शो में काफ़ी कुछ नया लगेगा। कुछ चीज़ों को मेकर्स ने इस बार बदला है, तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस बार शो में नहीं होगी। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है नहीं होगा क्रमवीर एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, ये जो है लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है केबीसी की तरफ से, शो में इस बार क्रमवीर एपिसोड हटा दिया गया है। पिछले साल सीजन दर्शकों को हर शुक्रवार एक ऐसी हस्ती से मिलवाया जाता था जिसने देश के लिए कोई बड़ा योगदान किया है। इस बार क्रमवीर एपिसोड की जगह शानदार शुक्रवार एपिसोड प्रसारित किया जाएगा जिसमें दर्शक किसी सेलिब्रिटी से मिलेंगे। सेकंड जो बदला गया है वो है फिर होगी ऑडियंस की वापसी। शो में एक बार फिर से ऑडियंस की वापसी होगी। हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन ऑडियंस के रूबरू होते दिखाई पड़ रहे हैं। वह दर्शकों से कह रहे हैं कि उनके बिना वह कितना खाली महसूस कर रहे थे। तीसरा जो कि शो में परिवर्तन कर दिया गया है, बदला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। या दोस्तों, ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, ये अपडेट जो है बुरी भी हो सकती है। इस बार शो में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी बदल दिया गया है। दोस्तों, मेकर्स इस बात की तसल्ली करेंगे वाकई जो योग्य दावेदार है वही हॉट सीट तक पहुँचे। इसके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक बार नहीं बल्कि तीन बार खेला जाएगा। तीनों बार में जिसका जवाब सबसे तेज होगा वही हॉट सीट पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये एक बैड न्यूज भी हो सकती है जो कि केबीसी सीजन 13 में जाने वाले हैं या फिर उनका सिलेक्शन होना अभी बाकी है। चौथा जो कि बदला गया है, जो नया परिवर्तन है वो दोस्तों है बदल जाएगी टिक टिक जी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन हर सीजन में घड़ी को अलग अलग नामों से बुलाते हैं और इस बार वो घड़ी को धुक धुकी जी कहकर बुलाएंगे। कहने को तो ये एक छोटा बदलाव है लेकिन दर्शकों का इससे टेस्ट और फील बदल जाता है। पांचवा जो सबकी सबसे अलग जो है परिवर्तन किया गया है शो में वो है सेट और ग्राफिक्स की बदले गए। जी हाँ दोस्तों, शो का ये सेट इस बार फिर से डिजाइन किया गया है। दर्शकों को इस बार पहले से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा आकर्षक सेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी भी इस पहले से ज़्यादा व्यापक रखी गई है। तो कुल मिलाकर के ये पांच बदलाव केबीसी सीजन 13 में होने वाले हैं और उम्मीद करूँगा कि आप भी केबीसी सीजन 13 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और दोस्तों, मैं आपको बताना कि केबीसी सीजन 13 23 अगस्त 2021 से रात 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, केबीसी सीजन 13 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों केबीसी सीजन 13 में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार आपको बैठे बैठे घर बैठे करना होगा केबीसी प्ले अलॉन्ग में, पिछली बार दोस्तों पता होगा कि सोनी लिव ऐप में केबीसी हम प्ले अलॉन्ग खेलते थे, क्या इस बार भी सोनी लिव ऐप में खेलना होगा, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार हमें रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, किस प्रकार इसकी प्रक्रिया रहेगी इस बार केबीसी सीजन 13 प्ले अलॉन्ग की, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको ये वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर आपको न्यू टैब में ये वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन इस बार आपको करना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन है उसे ज़रूर आप ऑन करें ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट केबीसी के निकल करके आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको न्यू अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।